Good morning, sir. Good morning, sir. Anthony. Good morning, sir. Good morning. बच्चे को ले आओ. बच्चा यहाँ नहीं है सर. क्या बच्चा यहाँ नहीं है? तो फिर कहाँ है बच्चा? उसे मैंने दूसरी जगह पहुंचा दिया है. क्यों? क्या ये जगह सेफ नहीं थी? यहाँ किसी के अटैक करने का डर था? नहीं, यहाँ किसी का डर नहीं था. तो फिर बच्चे को यहाँ से क्यों ले गए? अगर आपको गोपाल चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे साथ एक सौदा करना होगा. सौदा? तुमसे? मैं कुछ समझा नहीं. गोपाल मेरे कब्जे में है. अब वो आपको तभी मिलेगा जब आप मेरी एक शर्त मान लेंगे. ओ, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो, जिसे मैं इंसान का बच्चा समझकर 20 साल तक पालता रहा. वो आस्तीन का सांप निकला जो दूध पिलाने वाले को ही डस लेता है. लानत है तुम पर. मैंने तो खैर दूध के साथ गद्दारी की है, लेकिन आप तो उनमें से हैं जो अपने खून को भी माफ नहीं करते. अगर आपकी कहानी दुनिया को मालूम हो गई तो हर एक बेटा भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि मौत तो दे मगर आप जैसा बाप नहीं दे. धनराज, बोलिए, क्या यह गलत है कि आप ही ने अपने पोते को किडनैप कराया? आप ही ने अजय के दरवाजे पर उसके कपड़े टंगवाए और आप ही ने उसके घर पे गोलियां चलवाई ताकि वो डर से आपके पास आके रहने लगे? हाँ हाँ, मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मुझे अपना बेटा वापस चाहिए था. आपको अपना बेटा नहीं, आपको अपना उत्तराधिकारी चाहिए जो आपके मरने के बाद आपके अंपायर को संभाल सके. अगर मैंने ऐसा चाहा भी तो बुरा क्या किया? दुनिया का हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उसकी कुर्सी संभाले. मुझे भी तो कभी आप अपना बेटा समझते थे, फिर मुझे क्यों भूल गए? इसलिए कि मैं आपका असली बेटा नहीं. वरना बोलिए, क्या कमी है मुझमें जो आप मुझे अपने बाट डाउन नहीं बना सकते? क्या मैंने आपके साथ वफादारी नहीं की या आपके लिए खून नहीं बहाया? जब जब जरूरत पड़ी मैंने आपके लिए खून बहाया, लेकिन मैं आपका असली बेटा नहीं हूं ना, इसलिए मेरा खून भी आपकी नजरों में गटर का पानी बन गया जिसके बह जाने से किसी को कोई अफसोस नहीं होता. तुमने जितने खून बहाए हैं उससे कहीं ज्यादा मैंने अपने बेटे को खून के आंसू रुलाए हैं. पहले मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा. डॉन मेरा बेटा ही बनेगा. नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा. नागेश्वर के फैसले के खिलाफ जो भी गया उसका अंजाम जानते हो? सिर्फ मुझे ही मालूम है कि इस वक्त गोपाल कहां है, इसलिए मेरा अंजाम सोचने से पहले गोपाल का अंजाम सोच लो मिस्टर नागेश्वर. धनराज, तुम्हें वो कहावत याद है ना, बिल्ली अपने बच्चे को गांव के 100 घर दिखाती है लेकिन खुद उनका पता नहीं भूल जाती. तुम गोपाल को कहां कहां छुपा सकते हो मुझे सब मालूम है, इसलिए मुझे गोपाल के अंजाम की कोई चिंता नहीं. ये अंदाज भी मैंने आप ही से सीखा है. रोकने के बावजूद तुम यहां आ गए. शायद तुम्हारे बेटे की तड़प तुम्हें यहां ले आई. नहीं डैडी, मैं आपके लिए यहां आया हूं. बेटे तो और भी पैदा हो सकते हैं मगर बाप, बाप फिर से नहीं मिल सकता. अजीब इत्तेफाक है, जब तुम मेरी बाहों में आए थे तो खून से लथपथ थे और आज जब
मैं तुम्हारी बाहों में आया हूं तो मैं खून से लथपथ हूं। शायद खून के रिश्ते जब अलग होते हैं तो उनका मिलन ऐसे ही होता है।